मॉर्निंग क्लास, मैं विवेक अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, बात की थी कि नया टॉपिक हम लोग आज उठाएंगे और वो जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं महंगाई को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के, तो उसके टर्म्स को समझेंगे मार्केट के एस्पेक्ट में। तो आज से हम यहाँ से सब जो लेके चल रहे हैं वो आपकी दैनिक दिनचर्या में प्रयोग में आते हैं, कभी आप उन्हें जानते हैं और कभी आप उन्हें नहीं जानते हैं, और इनके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इनके क्वेश्चन जनरली टर्मिनोलॉजी के रूप में पुटअप होते हैं। इकोनॉमी को लोग बहुत टफ सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, लेकिन एक समस्या है जो वो जानते हैं महसूस करना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। एग्जाम में कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं आती, इकोनॉमी आती है, और हम इकोनॉमी को ही इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स समझकर ही पढ़ना नहीं चाहते कि नहीं ये तो समझ में नहीं आएगी, ये तो सीए कॉमर्स वालों का काम है। नहीं, इकोनॉमी इकोनॉमिक्स अंतर है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है और इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है। अर्थ का मतलब धन। जब हम धन के प्रबंध में कुछ पढ़ते हैं तो वो इकोनॉमी है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आज के समय में धन का प्रबंध नहीं करता? कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो धन का प्रबंध ना करता हो, जो पूरे दिन की दिनचर्या में कहीं पर यह ना सोचता हो कि ये धन कैसे मिले, इस धन को कैसे अरेंज करें, हम इसको सरकार से टैक्स बचाने में इन्वेस्ट कर दें, कोई ऐसी पॉलिसी ले लें जो टैक्स रिबेट दिलाती हो, होम लोन ले लें, इंटरेस्ट को टैक्स से निकाल लेंगे, इनकम टैक्स कैसे बचा लिया जाए, इस प्लांट में इन्वेस्ट कर दो आगे बढ़ जाएगा। ये क्या है? ये इकोनॉमी तो है। आप लगातार बात कर रहे हो, निवेश कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे, हमने खरीद के रख लिया, बाद में बेच देंगे, किस बात के लिए? प्रॉफिट के लिए। दिस इज सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सब तो इकोनॉमी। बस खाली उसको हम अपने उसमें लाना नहीं चाहते, समझा नहीं। बचपन से करते चले आ रहे ना बैंकिंग, एक गुल्लक दे दी गई कि बेटा पैसा पाता तुरंत दुकान चला जाता है, नहीं जमा करेगा, क्यों मेला देखेगा। ये क्या है? इकोनॉमी है। ये हमारे नेचर में लाया जा रहा है, सेविंग, बचत करना, ये बचपन से सिखाया जा रहा है। तो इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, बस खाली क्या उसको फेस नहीं कर रहे, उसको हम लोग समझना नहीं चाह रहे। देखते हैं जरा, ये वो शब्द है जो आपके डेली यूज में आने वाले। सबसे पहले शब्द है हमारा कौन सा? इन्फ्लेशन। हो सकता है आप ये इन्फ्लेशन डेली यूज में नहीं सुना। इसकी हिंदी क्या है? मुद्रा स्फीति। इसको भी नहीं सुना दैनिक दिनचर्या में, बिल्कुल नहीं सुना। लेकिन इसमें से एक शब्द आपने सुना, वो शब्द कौन सा है? मुद्रा। मुद्रा तो सुना ना, रुपया। अच्छा, मुद्रा होती क्या है? मुद्रा क्या है भाई? ये सोचो, जब मुद्रा नहीं थी तो क्या व्यापार नहीं था? तब भी था। भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक सिस्टम क्या था? व्यापार करने का जो तरीका था वो क्या था? तो वो था बार्टर सिस्टम। सबसे पहले भारत में व्यापार करने का जो तरीका था वो बार्टर सिस्टम था, यानी वस्तु विनिमय। जो मेरे पास वस्तु है वो एक्सेस है, आपके पास जो है उसकी जरूरत हमें है और हमारी वस्तु की जरूरत आपको है, आपस में क्या कर लिया? आदान प्रदान कर लिया। ये था बार्टर सिस्टम। तो पहले भारत में व्यापार किस सिस्टम से होता था? बार्टर सिस्टम से होता था। लेकिन बार्टर सिस्टम से एक समस्या थी कि अगर आपको किसी ऐसी चीज की आवश्यकता हो जो मेरे पास तो है, लेकिन आप जो उसके बदले में देना चाहते हो उसे मैं लेना नहीं चाहता, वो मेरे पास एक्सेस है तो मैं आपसे क्यों लूंगा। तो ये जब समस्याएं उत्पन्न हुई तो एक ऐसी करेंसी, ऐसी चीज की आवश्यकता हुई जो लीगल टेंडर बनी हो, एक ऐसी चीज हो, एक ऐसी वस्तु हो, एक ऐसा पॉइंट हो, कुछ भी हो जो हमेशा एक्सेप्टेबल हो, जिसको किसी पास एक्सेस ना हो। तब एक गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी के द्वारा एक लीगल टेंडर मनी बनाई गई, एक क्वाइन बना, एक सिक्का बना, एक पेपर करेंसी बनी, जिसको नाम क्या दिया गया? मुद्रा। क्या ऐसा संभव है कि आपके पास कोई व्यक्ति आए और आपकी जो वस्तु वो लेना चाहे और वो पैसा दे तो आप उससे कहो नहीं मेरे पास तो पैसा बहुत है, मैं पैसा क्या करूंगा? ये तो संभव नहीं है ना। तो कोई पैसा तो ये था लीगल टेंडर मनी जो कभी किसी के पास एक्सेस नहीं होती, हमेशा एक्सेप्टेबल होती है। ये थी मुद्रा। तो मुद्रा को गवर्नमेंट ने बनाया। हाँ, अगर हम बात करें, हर एक सरकार अपनी अपनी मुद्रा को नाम देता है। भारत पर भी है ऐसा, हर एक सरकार अपनी अपनी मुद्रा को नाम देता है। भारत ने भी नाम दिया है। भारत ने जो नाम दिया है वो क्या है? भारत की मुद्रा का नाम है बेटा रुपया। जो भारत की मुद्रा है उसका नाम है रुपया। अब अगर देखो,
विश्व में सिर्फ 5 देश हैं जिनके पास अपनी मुद्रा की पहचान है, जैसे हम लोग लगाते हैं सरनेम, हमारी पहचान, अपनी पहचान करने के लिए, जैसे हम इंडियन है ये अपनी पहचान है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई इंग्लैंड है, इंग्लैंड का है द इंग्लिश, है ना, कोई यूरोपियन है, सबकी अपनी पहचान है। तो वैसे भारत में जो करेंसी है उसकी पहचान है, विश्व के सिर्फ 5 देश है, ये एक गर्व की बात होती है कि हमको हमारी मुद्रा की पहचान मिली हुई है। तो भारत का रुपया है, ये सिंबल है इंडिया की करेंसी का। अब विश्व के 5 देश है सिर्फ, जो उनकी बात कर लेते हैं, इसको भी आप जानते हो, डॉलर, यूएस अमेरिका की करेंसी है, इसे भी आप जानते हो, स्टर्लिंग पाउंड ब्रिटेन की करेंसी है, इसे भी आप जानते हो, यूरो यूरोपीय यूनियन की करेंसी है, यूरोप की करेंसी है, और ये है आपका येन, ये है येन, जापान की करेंसी है। तो सिर्फ विश्व में 5 देश हैं जिनके पास अपनी मुद्रा की स्वयं की करेंसी है, पहचान है, क्लियर। भारत की इस करेंसी की पहचान दी थी डी उदय कुमार ने। अब अगर हम बात कर रहे थे मुद्रा की, तो ये तो हो गई मुद्रा। हाँ, सरकार के द्वारा जो मुद्रा होती है वो एक सिस्टम होता है, पूछा जाता है कौन सी करेंसी है, तो उसे बोलते हैं अपना फिएट करेंसी। ये जो करेंसी होती है ये फिएट करेंसी होती है, क्योंकि ऐसी करेंसी जो सरकार के द्वारा मान्य हो, इसकी खुद की मान्यता हो, परंतु इस मुद्रा की, इस करेंसी की अपनी खुद की कोई वैल्यू ना हो। जैसे चेक लीगल टेंडर मनी है, लेकिन चेक की कितनी वैल्यू है, चेक पर वो वैल्यू है जो फिगर लिखी गई, सिर्फ ब्लैंक चेक कोई वैल्यू है उसकी? अब जैसे 10 रुपये का नोट है, तो ये 10 रुपये का नोट है, इसकी वैल्यू है, जैसे सोचो 500 और 1000 का नोट चलते थे, उनकी वैल्यू थी, लेकिन जिस दिन से सरकार ने उसको बंद कर दिया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, उस दिन से क्या उस करेंसी की कोई वैल्यू बची? ये होती है फिएट मनी, जिसकी खुद की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, क्लियर। ये फिएट करेंसी होती है, जो सरकार के द्वारा मान्य होती है, वो करेंसी चलती है हर एक देश में, हर एक सरकार के द्वारा, जिससे भारत की करेंसी आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है, क्लियर। अब अगर बात करें हम लोग इस पर मुद्रा स्फीति पर, तो मुद्रा और आगे क्या है, स्फीति, फैलाव। अब यहां पर देखो दो चीजें कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, क्वेश्चन इसीलिए ज्यादा पुटअप होता है। मुद्रा स्फीति वो है जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाए, अर्थात मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाए, लोगों के पास पैसा क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। अब जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो क्या करेंगे? आपके पास सोचो पैसा ज्यादा होगा तो क्या करोगे? डिमांड ही तो करोगे, मांग ही तो बढ़ाओगे। पैसा ज्यादा होगा नहीं कि क्या करना शुरू कर दिया, डिमांड, मांग बढ़ानी शुरू कर दी। अब जब डिमांड आप कर रहे हो तो मार्केट में जो सप्लाई है वो तो पहले से कंटिन्यू थी ना, डिमांड आपने क्रिएट कर दी, डिमांड आपने बढ़ा दी, तो सप्लाई क्या हो गई कंपेयर टू डिमांड? सप्लाई तो नहीं बढ़ी ना, तो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। तो डिमांड इज ग्रेटर देन क्या हो गया? सप्लाई। मार्केट में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा, तो ऑटोमेटिक प्राइस क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में प्राइस क्या हो जाएगा? हाइक हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा। तो वस्तु का मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। तो जैसे ही वस्तु का मूल्य बढ़ गया, बस इसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई, क्लियर। अगर इसकी डिमांड ना हो तो ऑटोमेटिक सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाएंगे, या सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड हो जाएगी, तो प्राइस अपने आप क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। सोचो जब प्याज महंगा होता है, क्या बोलते हैं, प्याज मार्केट में नया आ गया है, तो डिमांड बढ़ी थी, प्याज मार्केट में और नया आ गया, तो सप्लाई इक्वल हो गई, तो प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं। सेम फिगर है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, देन प्राइस हाइक होंगे, और डिमांड इज लेस देन सप्लाई, तो प्राइस डाउन हो जाएंगे। तो प्राइस बढ़ रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि लोगों के पास पैसा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कल के टॉपिक पे याद करो, नेशनल इनकम में हमने आपसे बोला था आर्थिक विकास किसके साथ युग्मित होता है, तो आर्थिक विकास हो रहा है इसका मतलब लोगों के पास पैसा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आर्थिक विकास हो रहा है तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन साथ में चलेगा कि नहीं चलेगा? तो आर्थिक विकास और इन्फ्लेशन दोनों युग्मित हो गए। तो यही क्वेश्चन था, आर्थिक विकास किसके साथ युग्मित होता है, तो आंसर क्या था उसका? इन्फ्लेशन। बात यहां समझ में आई। अब इन्फ्लेशन पर हमने आपसे बोला था एक पॉइंट होता है, वो क्या है? बेस ईयर। ये बेस ईयर क्या है? देखो इन्फ्लेशन ये कहता है, ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा है तो ठीक वो इन्फ्लेशन है। सपोज करो हम अगर अभी बोल दें कि 1950 में
किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए था, माना 10 रुपए था, तो क्या आज भी उस वस्तु का मूल्य 2019 या 2020 में भी 10 रुपए होना चाहिए? व्यक्ति की इनकम 1950 में 25 से 30 रुपए थी, आज उसकी इनकम 20 से 30,000 हो गई है। क्लियर? तो क्या इसका मूल्य बढ़ करके 100 भी नहीं होना चाहिए? जब इसका इतना इनकम बढ़ गई तो इधर 100 नहीं होना चाहिए क्या? इसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई होगी। इसलिए हमेशा एक चीज डिसाइड क्या की जाती है, बेस ईयर, कि हम प्राइस देखेंगे कि प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन किससे, ऐसा नहीं कि कभी से उठा लो, इसके बेस ईयर से देखेंगे। और बेस ईयर डिसाइड करने के लिए बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, WPI देखा जाता है, CPI देखा जाता है, कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या जा रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या जा रहा है, उसी आधार पर आपका DF इंक्रीज होता है। तो हर चीज को एक सिस्टम में लिया गया, जैसे बेस ईयर हमारा इसमें बना दिया गया 2011-12, जो पहले 2004-05 चल रहा था, तो CPI बास्केट का बेस ईयर कितना ले लिया गया 2011-12, अभी चेंज किया जाएगा 2015-16 कर दिया जाएगा, तो CPI बेस ईयर 2011-12 लिया गया। सपोज करो कि इस प्रोडक्ट ए का मूल्य 2011 में 100 रुपए था। क्लियर? फिगर देखो, काउंट करते समय यह भी ध्यान दिया जाता है कि हम प्रेजेंट टाइम अगर बात कर रहे हैं तो जैसे फरवरी की डेट की बात कर रहे हैं, आज की डेट की बात कर रहे हैं, तो आज ही की डेट, इसी डेट में पिछले वर्ष फरवरी में क्या रेट था, ईयरली भी काउंट किया जाता है, मंथली भी काउंट किया जाता है। तो इन्फ्लेशन की फिगर को CPI बास्केट में हर तरीके से काउंट करके बाद में एवरेज के रूप में निकाला जाता है, औसत में निकाला जाता है। तो एक का प्रोडक्ट कितना था, 100 रुपए, आज अगर हम कंपेयर करें तो एक ही प्रोडक्ट का रेट हो गया है 108 रुपए। 2011 से अगर आज को हम कंपेयर करें 108 रुपए, या इसकी चलो फिगर को राउंड फिगर में ले लेते हैं कंप्लीटली, 111 रुपए हो गया है। तो अब देखो प्राइस कितना बढ़ा है, 11%, यानी कि क्या है, इन्फ्लेशन है। लेकिन ये इन्फ्लेशन कौन सा है, क्योंकि किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब इन्फ्लेशन होगा, अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो विकास ही नहीं होगा। क्योंकि पहला पॉइंट याद करो, आर्थिक विकास और इन्फ्लेशन दोनों क्या है, युग्मित है। तो एक भी अगर डाउन होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो आर्थिक विकास अगर सही है तो इन्फ्लेशन तो होना ही होना है, लेकिन वो कितने परसेंट हो। तो यहां पर इन्फ्लेशन कितना निकला, 11%। अब हम लोग देखते हैं तो इन्फ्लेशन की कंडीशन पर एक फिगर आता है कि इन्फ्लेशन कितने प्रकार का हो। तो इन्फ्लेशन आपका होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब रेंगती हुई अर्थव्यवस्था, या रेंगती हुई मतलब धीरे 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 ग्रोथ कर रही है, लेकिन बहुत स्लो डाउन ग्रोथ कर रही है। वॉकिंग, देखो ये सारे शब्द आप लोग यूज करते हो, रनिंग, ट्रॉटिंग, क्लियर, गैलोपिंग और हाइपर। क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, ट्रॉटिंग, गैलोपिंग और हाइपर। अगर इन्फ्लेशन अप टू 3% है तो इसको कितना माना जाता है, क्रीपिंग। किसी भी देश के लिए नेसेसरी है, अनिवार्य है, अगर उस देश का आर्थिक विकास होना है तो कम से कम इतनी दर इन्फ्लेशन की होनी ही चाहिए। अगर इतनी भी नहीं है तो उस देश का विकास इसका मतलब हो ही नहीं रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना GDP ग्रोथ नहीं हो रही, GDP ग्रोथ नहीं हो रही। तो GDP ग्रोथ कहां से होगी जब इन्फ्लेशन ही नहीं होगा, यानी मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी, तो GDP ग्रोथ तो होगी ही नहीं। तो हर चीज को महंगाई से जोड़ देना, महंगाई से जोड़ देना, वो तो क्लियर नहीं है, क्योंकि महंगाई तभी संभव है जब विकास हो, और विकास ही नहीं हो तो महंगाई नहीं है। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन इतना तो होना ही चाहिए। अब वॉकिंग अगर है तो इसको लिया जाता है 3-5। अब अगर हम देखें रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था, दौड़ती हुई रेट चल रहा है, तो 10% तक ले लो इसको, 5-10। ट्रॉटिंग है तो 10-20%। गैलोपिंग है तो इसको ले लो आप मोर देन 20%। अब देखो हमने इसको मोर देन 20% लिया है, लेकिन हाइपर को नहीं जोड़ा।
क्यों नहीं जोड़ा? ये अति दर है, ये तो होनी नहीं चाहिए। ये जिस देश में हो गया वो देश तो बेकार है, अर्थव्यवस्था डूब गई उसकी, जैसे जिम्बाब्वे, हंगरी, ऐसे देश जहां पर इन्फ्लेशन की दर बड़ी स्तर तक पहुंच जाती है, वो भी कम से कम तीन डिजिट में। तीन डिजिट का मतलब समझ, जैसे प्रति माह 2000% की दर से महंगाई बढ़ रही है, अगर इस दर से पहुंच रही तो उस देश को रिकवर होना ही नहीं होता। तो ये काल क्या हुआ? हाइपर। तो हाइपर को हम लोग नहीं लेते, इसकी कोई दर नहीं, क्योंकि इसकी दर क्या होती, कम से कम तीन डिजिट पे चलती है। तो अति दर है ये इन्फ्लेशन की, मुद्रा स्फीति की, हाइपर आपकी। क्लियर? अब अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन के साथ में, तो कुछ शब्द है डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिसेशन। एक्चुअल में अगर हम लोग एक फिगर मेंटेन करें, यहां पर अगर हम आपके साथ एक फिगर बनाए और इस पॉइंट को हम मान लें बेस ईयर, यहां पर जो प्राइस हमारा हुआ है क्या बेस ईयर, इस पॉइंट को हम लोग बेस ईयर मान लेते हैं, ठीक है, और ये है हमारा प्राइस, बढ़ता हुआ प्राइस, और ये है हमारा टाइम पीरियड, समय, ठीक। अब अगर इस पर हम लोग ग्राफ को डिफाइन करें, ये अब देखो यहां पर ये मूल्य बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ये तो बढ़ता हुआ मूल्य ना, प्राइस बढ़ रहा है, तो इसी कंडीशन को कहते हैं इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन किस स्टेज में होगा वो हमने आपको परसेंटेज में बताया कि किस स्टेज में चला जाएगा, क्रीपिंग है, ट्रॉटिंग है, गैलोपिंग है, हाइपर है। तो इसमें गैलोपिंग का मतलब होता है उछलती हुई अर्थव्यवस्था, कूदती हुई रेट से बढ़ रही है, ठीक। यहां पर क्या है, डाउन हुआ। अब समझो यही वो चीज है जो आपको प्रेजेंट सिनेरियो में समझाई जा रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी नहीं है, सुस्ती है। क्लियर? क्या देखो यहां पर वस्तुओं के रेट क्या हो गए, डाउन हो गए। क्यों डाउन हो रहा है? डिमांड नहीं है, ठीक। अभी हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन कई प्रकार का होता है, सिर्फ यही नहीं होता कि नहीं वो पैसा लोगों के पास आ गया इसलिए बढ़ गया, कई कंडीशन से बढ़ता है, ठीक है। तो यहां की कंडीशन जो होती है इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। ये मुद्रा स्फीति थी और ये मुद्रा अपस्फीति है, डिसइन्फ्लेशन। प्राइस डाउन तो हुआ, प्राइस डिक्रीजेस बट नॉट लेस देन बेस ईयर, मूल्य कम हुआ लेकिन इतना नहीं कि आधार वर्ष से कम हो जाए। क्लियर है? और जब मूल्य आधार वर्ष से, यानी डिमांड जो हमारी है वो आधार वर्ष से कम होने लगे, तो हम इसको यहां पर बोलते हैं रिसेशन। इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, या हम इसको बोलते हैं रिसेशन, मंदी का समय। क्लियर? और अगर इसकी चीज बात करो, अगर हम इसको इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। ये वो जगह है जहां पर हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन, मुद्रा अवस्फीति, वो थी अपस्फीति, ये क्या है अवस्फीति, और ये कंडीशन जो है ये है कंप्लीट रिसेशन। जब लगातार प्राइस डिक्रीजेस या जीडीपी डिक्रीजेस फ्रॉम द बेस ईयर कंटिन्यूअसली टू क्वार्टर आर मोर देन, कम से कम दो तिमाही लगातार जीडीपी घटे तो उसको मंदी में ले जाते हैं हम लोग, जो डिफ्लेशन कहती है, रिसेशन। और ये जो कंडीशन है इसमें क्या होता है, अब यहां पर अगर देखो तो यहां पर तो प्राइस डाउन हो रहा था, बेस ईयर से नीचे आ गया, लेकिन यहां पर प्राइस तो इंक्रीज हुआ ना, प्राइस राइजेस बट नॉट मोर देन बेस ईयर, प्राइस बढ़ा है लेकिन बेस ईयर से ज्यादा नहीं हुआ। तो इस कंडीशन को कहा जाता है रिकवरी की कंडीशन। यही वो जगह है जहां से बाजार अपने आप को क्या कर रहा होता है, रिकवर कर रहा होता है, रिकवरी की कंडीशन पर होता है। यही जीडीपी की कंडीशन होती है, मार्केट की कंडीशन होती है। यहां पर तो प्रोग्रेसिव है, पोजिशन है, बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव है। यहां पर आना क्या हुआ, बिल्कुल तनाव की कंडीशन में आया। किस बात का तनाव होगा, एक डिप्रेशन की कंडीशन में जाने लगा, क्या तनाव था, प्राइस डाउन हो रहा है, ठीक। और यहां पर क्या हो गया, रिसेशन, मंदी, बेस ईयर से नीचे चला गया लगातार दो क्वार्टर, तो मंदी, रिसेशन, और फिर जब उठेगा तो क्या होगा, रिकवरी। क्लियर? भारत की जीडीपी बेस ईयर से कम हुई है,
सॉरी भारत की जीडीपी क्या थी, जो ग्रोइंग थी उससे कम हुई है, निगेटिव नहीं हुई। इसलिए वो कहते हैं कि रिसेशन नहीं है, क्या है, सुस्ती है। क्लियर? तो ये पॉइंट हमारे कुछ हुए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि इन्फ्लेशन किन कारणों से आता है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, आखिरकार प्राइस बढ़ता क्यों है। आप देखोगे बिल्कुल आपके जेब का लगेगा कि जेब में कैसे पैसा आया, मार्केट में कैसे इफेक्ट डालता है। मतलब हम लोग जो पैसा अर्न करते हैं ना, हमें पता नहीं चलता वो मार्केट में कैसे इफेक्ट डालता है। ठीक है, हम जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आपके साथ बात कर रहे थे, तो उस मॉनेटरी पॉलिसी को भी आपको बताएंगे कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। आपको पता नहीं चलता आपकी जेब से पैसा कैसे बैंक चला जाता है, आप नहीं चाहते फिर भी चला जाता है, और जब वो सरकार चाहती है, बैंक चाहती है आपकी जेब में पैसा आए, तो भी आपको पता नहीं चलता, आप ले आते हो पैसा और मार्केट में इन्वेस्ट करने लगते हो, लगाने लगते हो। तो मार्केट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इन्फ्लेशन के साथ में कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन लेके आएंगे कि इन्फ्लेशन किन कारणों से होता है और इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं। क्लियर? थैंक यू क्लास। क्लास आपको चैनल अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।